एशिया पैसिफिक बनी चेतना वर्मा। बरेली में आजकल के बदलते युग में फैशन का अपना एक खास महत्व है। हर कोई फैशन के साथ साथ अपने आप को ढालने में लगा है। फैशन के इस युग में हर कोई अपनी एक पहचान बनाने के लिए उत्सुक रहता है। उनके अनिवार्यताओं की कदर करते हुए देश की अग्रणी इवेंट कंपनी ताज ग्रुप ने खास ऐसी महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने का काम कर रही है। पिछले कड़ी की सफलता के बाद इस वर्ष एक उच्च स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता ताज मिस एशिया पैसिफिक का आयोजन लखनऊ में हुआ। इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से देश भर कुल 30 महिलाओं को चयनित किया गया। ताज ग्रुप के निदेशक विक्रम राव ने बताया कि देश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार पर लगाम लगाना चाहिए और इसके लिए कड़े से कड़ा कानून भी बनाना चाहिए। इस प्रतियोगिता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटा समझाओ कर संदेश देते हुए कहा कि जब तक हम अपने बेटों को नहीं समझाएंगे तब तक बालिकाओं व महिलाओं पर हो रहे अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ताज मिस व मिसेज एशिया पैसिफिक का ग्रैंड फाइनल को लखनऊ के 5 सितारा होटल गोल्डन ब्लॉसम में आयोजित किया गया। मुकाबले के लिए सभी प्रतियोगिताओं को 3 अलग अलग पराधीनों में भारतीय परिधान व वरिष्ठता परिधान के आधार पर विजेता का चयनित किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी के लिए 3 दिन तक विशेष ट्रेनिंग दिल्ली के मशहूर कोरियोग्राफर निहिल सिंह द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फाइनल में निर्णायक मंडल में 3 दिन की कड़ी मेहनत की ट्रेनिंग बाद तीनों दिन अलग अलग राउंड में सभी प्रतिभागियों ने अपनी मेहनत का परिचय दिया। क्या नाम है? मेरा नाम चेतना है, मैं बरेली से हूँ। ये अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ में विक्रम सर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, मिसेज एंड मिस्टर मिस एंड मिसेज एशिया पैसिफिक, जिसमें मैं मिसेज कैटेगरी में विनर थी, मिसेज एशिया पैसिफिक। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए थे, आगरा, गोवा, जयपुर, जबलपुर, बहुत दूर दूर से कंटेस्टेंट्स आए थे। इसमें नियर अबाउट 45 इन वुमेन्स कैटेगरी। क्या प्राइस मिला? मुझे फर्स्ट, आई एम विनर ऑफ मिसेज एशिया पैसिफिक इन मिसेज कैटेगरी। रोहित राकेश मेरा नाम है और सबसे पहले तो मैं चेतना जी को बहुत बहुत साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बरेली का नाम रोशन किया। विक्रम राव जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने इस आयोजन को करवाया था आगरा में, लखनऊ के रहने वाले हैं और इस तरह के आयोजन विक्रम जी करवाते रहते हैं। बरेली द्रौपदी की नगरी है, बरेली की बेटियों ने माया नगरी में अपना नाम कमाया। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, बेटी नहीं किसी से कम ये तुम जान लो, इसकी ताकत का लोहा तुम मान लो, एक नारी सब पर भारी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ चेतना जी को और बरेली के नाम को उन्होंने रोशन करने का कार्य किया है और निश्चित तौर पर वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगी और कर रही हैं। मैं विक्रम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाया और चेतना जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ, धन्यवाद। विक्रम राव, ये 9 अक्टूबर को एक पूरा देश भर का एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका नाम है मिस्टर मिस और मिसेस एशिया पैसिफिक, जिसमें से पूरे देश भर में ऑडिशन, ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से करीब 45 लोगों को चयन किया गया था और 9 अक्टूबर को लखनऊ में इसका ग्रैंड फिनाले हुआ था, जिसमें से बरेली की चेतना वर्मा है ये मिसेस कैटेगरी की विनर बनी थी और मिस में कलकत्ता की एक है वो विनर बनी थी।